गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनाइटेड ट्रैवलर। और आज मैं जा रहा हूँ एक शॉर्ट ट्रिप है जो कि 20 से 25 मिनट की है यहाँ से, और मैं आपको लेके जा रहा हूँ बेडोग रिजर्वर। तो इसके बारे में बात करते हैं चलते चलते, लेट्स गो। फाइनली आई अराइव एट बस स्टेशन और बस 21 नंबर का बस वेट कर रहा हूँ, देखता हूँ कितनी देर में आती है। फाइनली आई रीच हेयर एट बेडोग रिजर्वर, यू कैन सी देयर। मुझे बस रोड क्रॉस करनी है और मैं उस झील के पास पहुंच जाऊंगा। सो लेट्स क्रॉस द रोड फास्ट। और मैं बस जस्ट राइट लेके झील की तरफ मुड़ने वाला हूं, और आप देख सकते हो मेरे सामने झील है। और इस झील के पास मैं आपको इसलिए लेके आया हूं क्योंकि ये झील नेचुरल झील नहीं है, ये पूरी की पूरी एक आर्टिफिशियल झील है। और क्या होता है कि सिंगापुर में नदी तो है नहीं, तो वो जितना भी बारिश का पानी होता है वो सारा का सारा यहाँ पे इकट्ठा कर देते हैं, और उसके बाद इसको साफ करके ड्रिंकिंग वाटर के लिए यूज़ किया जाता है ये पानी। जैसे मैं थोड़ी देर आगे बढ़ा तो मुझे मैप मिला, इसमें पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस की है। ये 4 किलोमीटर लंबी झील है सरकमफेरेंसेस में, और यहाँ पे लोग मोस्टली वॉक करने और रन करने के लिए आते हैं। यहाँ पे इन्होंने लकड़ी का एक डैक बना के छोड़ा हुआ है। यहाँ पे मोस्टली जो रनिंग करके आते हैं लोग यहाँ पे बैठ जाते हैं, और इवनिंग में बहुत सारे लोग देखेंगे आपको यहाँ पे बैठे हुए। और यहाँ से या तो वो फिशिंग कर रहे होते हैं या फिर आपको मछलियों को खाना दे रहे होते हैं। Thank you.
इसके अलावा यहाँ पे एक छोटा सा रेस्टोरेंट और बार है जहाँ पे लोग तसल्ली से सैटरडे संडे की इवनिंग मनाने के लिए आते हैं। तो यहाँ पे इजीली ड्रिंक मिल जाती है, तो आप ड्रिंक भी कर सकते हो और साथ साथ इसके साथ ये वाला व्यू भी इंजॉय कर सकते हो जो सामने नजर आता है। जैसे ही मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा, मैंने एक बोर्ड देखा, वहाँ पे चींटियों की फोटो लगा रखी है। यहाँ पे चींटियाँ बड़े बड़े पहाड़ खड़ा कर देती हैं पेड़ों के जड़ पे, और उनसे बचने के लिए इन्होंने लगा रखा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे झुंड देख पा रहा हूँ मैं। यदि आप मेरी वीडियो में देखोगे तो वहाँ पे बहुत सारे पहाड़ बना रखे हैं चींटियों ने। गाइस, यदि आपको ये वीडियो एक छोटी सी झील की पसंद आई हो सिंगापुर की, तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट।